सीजन का 2020 का बहुत ही बढ़िया कूलर रहेगा, और इसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़, यानी कि 200 में रेडी हो गया। और ये आप देख सकते हो कि कैसा दिखता है। तो ये आप अपने घर पे बनाना चाहते हो तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए। और आपको ज़रूरत पड़े कि ऐसे खाली डिब्बे की जो मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम बीच वाला हिस्सा कट कर देते हैं। तो हमने ये बीच वाला हिस्सा कट कर दिया, जो ज़रूरत है वो सभी, तो ये देख सकते हो सब हिस्सा जहाँ पे ज़रूरत है वो कट कर दिया। और यहाँ पे हम सोल्डरिंग से होल लगा देते। उसके बाद ये जो मोटर का वायर आता है वो वायर लगा दिया। तो ये सब वायर हमने लगा दिया। और हम एक ये लकड़ी की पट्टी है उस पे हम ये फेविकॉल चिपका के ये दोनों साइड हम चिपका देते हैं। तो उसके बाद हमने जो आगे वाला हिस्सा है जहाँ पे हमको फ़ैन लगाना है, जो मोटर यूज़ करनी है, वहाँ पे हमने वो लगा दिया। और ये स्क्रू से हमने फिट कर दिया। देख सकते हो कि कैसे किया है। तो ऐसे हो गया जो हमको फिट करना है वो इजीली। उसके बाद हमने एक पेपर ले लिया, बॉक्स का जो आता है हार्ड पेपर वो, और ये ऊपर रखा। जितना हिस्सा हमको ज़रूरत है उतना हिस्सा हमने हम ये जो भी हिस्सा हमने कट किया और दिया उस पर हम चिपका देते हैं। और सब हम एक बॉक्स रेडी कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने कैसे किया है ये सब। तो ये हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और ये फ्रेंड आपका ये बॉक्स बड़ा भी हो सकता है। आप अंदर वाला हिस्सा जो बॉक्स है प्लास्टिक का, वो डब्बा, वो कितना यूज़ करते हो उस पर डिपेंड है। तो ये हमने कूलर का जो जाली वाला घास आता है वही घास यूज़ किया इसमें। यहाँ पे हम लगा देते ये घास। तो आप देख सकते हो हमने कैसे किया ये। और ऐसा ही घास हमको दोनों साइड लगाना है। जो ये दो साइड है दिखाई दे रही है वहाँ भी हमको यही घास यहाँ पे और ये यहाँ पे लगाना है। तो हमने ये देख लो हमने लगा दिया ये दोनों साइड। हमने यहाँ पे यूज़ किया ये डेटा केबल, जो मोबाइल का चार्जिंग का डेटा केबल आता है यूएसबी केबल वही है। तो हमने ये काट दिया दोनों साइड, जो यूएसबी हम चार्जिंग लगाते हैं वो हिस्सा काट देते हैं। हम इसका वायर निकालने के लिए हम कटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चार केबल है, हमको ज़रूरत है प्लस और माइनस की, तो हम ये दोनों केबल काट देते हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच है, हम ये ऑन ऑफ स्विच लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच लगा दी। और ये यूएसबी डेटा केबल दो इसलिए यूज़ किए कि 3.7 वोल्ट हम इजीली हम पावर सप्लाई दे सके। और ये है डीसी मोटर। और ये वाटर पंप है जो मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डेटा केबल के जो प्लस वाला हिस्सा है प्लस और माइनस वाला है माइनस पे हम लगा देते हैं। और ये माइनस वाला माइनस पे लगा दिया। और प्लस में हम स्विच के थ्रू बाईपास करेंगे जिससे हमको कटआउट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम स्विच के थ्रू हम कटआउट करेंगे। सोल्डरिंग कर देते इसलिए आगे जाके दिक्कत ना आए। और ये जो पंप का जो माइनस प्लस वाला हिस्सा है वो वहाँ पे लगा देते हैं।
ये लगा दिया हमने। और ये वायरिंग बहुत ही इजी है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं चलता तो मैं आपको आगे एक डायग्राम दे दूंगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हमने वायरिंग किया है। तो फ्रेंड ये हमारा डायग्राम, आप देख सकते हो कि कैसे हमने ये सब वायरिंग किया है। तो ये हमारा सब वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा वाटर पंप है, तो हम ये वाटर पंप और ये डीसी मोटर जहाँ पे लगानी हम लगा देते हैं। तो ये हमारा जो प्लास्टिक का डब्बा था वो अंदर डाल दिया। हम आगे ग्लू इसलिए चिपकाते हैं कि आगे जाके दिक्कत ना आए और हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे ग्लू चिपका देते हैं मोटर पे। आप देख सकते हो तो ये हमारा रेडी हो गया। और आगे हमको फ़ैन लगाना है तो फ़ैन भी लगा देते हैं यहाँ पे। और गाइज ये सब मटेरियल आपको इजीली मार्केट में या आपके घर पे मिल जाएगा, इसलिए। और ये है वाटर पंप, वो नीचे चिपका देते ग्लू। आप दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, फैब्रिक या दूसरा मटेरियल है वो भी यूज़ कर सकते हो। हमने यहाँ पे ग्लू इसलिए L700 7000 इसलिए यूज़ किया है कि ईजी रहे। और फ्रेंड आप जो हमने जो पाइप निकाली थी और जो बॉक्स जो डब्बे का हिस्सा ऊपर वाला था वहाँ पे हमने ये पीछे से लगा दिया, और देख सकते हो कैसे लगाए हमने। तो ये हम नीचे लगा देते हैं और ये यहाँ से हमने लगा दिया, और उसके बाद ये अच्छा दिखे और इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा चले, इसलिए हम सब कॉर्नर पे ऐसे पट्टी लगा के, ये पट्टी इजीली आपको मिल जाएगी कहाँ पे जो फर्नीचर वाले होते जो वेस्ट करते वहाँ से भी मिल जाएगी। तो हमने ये लगा दिया और उसके बाद हमने ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाले हिस्से में हमको लगाने के लिए हम ये फेविकॉल चिपका देते हैं। हमने ये फ्रेंड ये फेविकॉल चिपका दिया, उसके बाद हम ऊपर का हिस्सा ये पेपर आता है जो वो पेपर चिपका दिया क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए हमको। तो ये हमारा रेडी हो गया ऊपर का हिस्सा, और यहाँ पे भी हम चिपका देते हैं ऊपर भी। ये हमारा कूलर रेडी।
हे गाइस, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।